देश में इस वक्त कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन अगर आप कुछ महीने पहले देखें तो भारत में किसान आंदोलन शुरू हुआ था जिसकी गूंज विदेशों तक गई थी। आज बात किसान आंदोलन की इसलिए कर रही हूं क्योंकि इस पूरे मामले को जानना जरूरी है। ये तो आप सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स पर शुरू हुआ जो आज भी चल रहा है। हाँ, लेकिन किसानों की तादाद कोरोना की वजह से कुछ कम जरूर हुई है। इनमें से एक बॉर्डर है टीकरी बॉर्डर, जहां से किसान आंदोलन को धार मिली, या ये कह सकते हैं कि यहीं से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन, आपके साथ मैं हूं काजोल नारा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज अचानक इस कोरोना महामारी में मैं किसान आंदोलन का जिक्र क्यों करने लगी। वो इसलिए क्योंकि यहां जो हुआ वो शर्मसार कर देने वाला है, दिल को झकझोर देने वाला है। टीकरी बॉर्डर, यहां से किसानों ने अपनी आवाज उठाना शुरू किया। इस किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आई पश्चिम बंगाल की युवती के साथ दुष्कर्म हुआ। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद बहुत सारे सवाल हैं और राज हैं जिन पर से आज भारत एट नाइन में हम पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। ये कौन सा रूप था किसान आंदोलन का जो मांग से आबरू नोचने पर उतर आया। अब कहां गई सरकार के खिलाफ जहर उगलने वाली पूनम पंडित। किसान आंदोलन की रहनुमाई करने वाले राकेश टिकैत। टीकरी बॉर्डर पर युवती की अस्मत तार तार करने वाले हैवानों पर अब क्यों चुप है मोहित शर्मा और हरेंद्र विकलांग। किसान मंच बनाकर सरकार के खिलाफ नंगा नाच करने वाले किसानों के रूप में अस्मत के भूखे भेड़ियों की ये ललकार अब तो बंद होनी चाहिए। देश के जिंदा लोकतंत्र में प्रदर्शन आंदोलन करना सबका हक है, लेकिन किसी बेटी को आंदोलन में बुलाकर उसकी अस्मत पर ऐसा वार किया जाए, ये हर किसी की समझ से परे है। चलिए आपको इस खौफनाक कहानी का पूरा सार बताते हैं। दरअसल जिस युवती के साथ ये वारदात हुई वो 11 अप्रैल को किसान आंदोलन में भाग लेने पश्चिम बंगाल से दिल्ली आई थी, लेकिन युवती कोरोना संक्रमण का शिकार हो गई और 30 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, मृतका दिल्ली से टीकरी बॉर्डर पर आरोपियों के साथ ही पहुंची थी। वारदात को अंजाम देने के बाद भी बलात्कार के आरोपी टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में पूरी तरह से सक्रिय रहते थे। बावजूद इसके आंदोलन में मौजूद किसान इस बात से पल्ला झाड़ते रहे, लेकिन जब लड़की के पिता ने आरोपियों की शिकायत पुलिस से की तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। इसे लेकर टीकरी बॉर्डर पर किसान सोशल आर्मी चलाने वाले अनूप और अनिल मलिक समेत 4 के खिलाफ आईपीसी की धारा 365, 342, 354, 376 और 120B के तहत मामला दर्ज हुआ है। एक युवती जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला कि इस आंदोलन में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल से आई थी, लेकिन अफसोस उसे नहीं पता था कि यहाँ कई दुशासन बैठे हैं उसका चीर हरण करने के लिए। नहीं पता था कि उसकी आबरू, उसकी अस्मत को इस तरह से तार तार कर दिया जाएगा, लेकिन उन भेड़ियों ने उसे नहीं बख्शा और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। लेकिन युवती किसी को बता ना सकी और 30 अप्रैल को युवती की कोरोना से मौत हो गई। तब जाकर इस मामले में नया मोड़ आया। बीते रविवार को पिता की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने टीकरी बॉर्डर पर किसान सोशल आर्मी चलाने वाले अनूप और अनिल मलिक समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक एक करके तमाम सवाल होंगे, पहले जरा एक बार फिर से इस पूरे मामले को समझिए।
आंदोलन का एक रूप ये भी। किसान आंदोलन में भाग लेने आई युवती से हुआ था दुष्कर्म। पिता की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने दर्ज की FIR। 30 अप्रैल को कोरोना संक्रमण से हुई थी पीड़िता की मौत। मौत से करीब 4 दिन पहले पीड़िता को शिवम अस्पताल में भर्ती कराया गया। टीकरी बॉर्डर पर किसान सोशल आर्मी चलाने वाले अनूप और अनिल मलिक समेत 4 के खिलाफ हुई FIR दर्ज। पीड़िता 11 अप्रैल को आरोपियों के साथ पश्चिम बंगाल से दिल्ली आई थी। दिल्ली से टीकरी बॉर्डर पर आरोपियों के साथ पहुंची थी मृतका। किसान नेता लगातार इस मामले से पल्ला झाड़ते आए। दुष्कर्म के आरोपी टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में रहते थे पूरे सक्रिय। मृतका के पिता की शिकायत पर FIR दर्ज हुई। IPC की धारा 365, 342, 354, 376 और 120B के तहत मामला दर्ज हुआ। मामले की जांच के लिए DSP की अगुवाई में 3 इंस्पेक्टर और साइबर सेल को मिलाकर SIT बनाई गई है। शहर थाना प्रभारी ने कहा कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, लेकिन कब तक ये बड़ा सवाल। अब सवाल उठता है कि किसान आंदोलन के लिए आवाज उठाने वाले वो लोग कहाँ हैं जो ये कहते थे कि किसान आंदोलन में कुछ भी गलत नहीं। चलिए माना कि किसान गलत नहीं है, लेकिन क्या उनका इस मामले में आवाज न उठाना गलत नहीं है? क्यों इस मामले को दबाया गया? आखिर क्यों उस बेटी के लिए लोगों की आवाज बंद हो गई? पहला सवाल, 24 अप्रैल से पीड़िता के साथ रहे योगेंद्र यादव ने उसकी मौत से पहले या बाद में पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? दूसरा सवाल, मोर्चे के वरिष्ठ नेताओं ने पुलिस को क्यों नहीं बताया जब आरोपियों के टेंट और बैनर उन्होंने हटाए? तीसरा सवाल, जब पीड़िता की मौत कोरोना से हुई तो उसके शव को किसानों ने जीप में रखकर शव यात्रा क्यों निकाली? चौथा सवाल, पता चलने के बाद भी शिकायत को लेकर ये निर्णय पिता पर क्यों छोड़ा? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? पांचवा सवाल, पुलिस पर सवाल, पिता ने कहा पुलिस ने दबाव बनाया, आखिर क्यों? आखिर पुलिस की भूमिका संदिग्ध क्यों? इन सवालों के जवाब जानना जरूरी है, लेकिन अफसोस कि जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। इस मामले को आखिर छिपाने की कोशिश क्यों की जा रही है? पुलिस की भूमिका संदिग्ध क्यों है? एक बेटी का दर्द समझिए, सोचिए कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा। जब उसके पिता पहुंचे तो पीड़िता ने अपना दर्द बताया कि उसके साथ गलत काम हुआ। साथ ही इसके पिता ने कहा कि 4 अप्रैल को मेरी बेटी इन लोगों से प्रभावित हुई और उनके साथ प्रोटेस्ट में शामिल होने की इच्छा जताई। वो पहले भी अलग अलग प्रोटेस्ट में शामिल हो चुकी थी। वो इस ग्रुप के साथ दिल्ली आ रही थी। ट्रेन में रात के वक्त जब सब सो गए थे तब अनिल ने पीड़िता के साथ बदसलूकी की थी, लेकिन वहां उसे आगाह कर दिया गया। 11 अप्रैल को दिल्ली पहुंचने के बाद टीकरी बॉर्डर पर उसे अनिल मलिक, अनूप सिंह और अंकुर सांगवान के साथ टेंट शेयर करना पड़ा। उसने 14 अप्रैल को फोन पर मुझे ट्रेन वाली पूरी घटना बताई। उसने बताया कि अनिल और अनूप अच्छे लोग नहीं हैं, उस पर दबाव बना रहे हैं, उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं और आगे क्या हुआ वो सब हम पहले ही बता चुके हैं। खबर ये भी है कि इस पूरे कृत्य में 2 लड़की भी शामिल है, लेकिन कब तक आंदोलन की आड़ में इस तरह से महिलाओं को शिकार बनाया जाएगा? आखिर कब तक ये सब होता रहेगा और समाज के ठेकेदार मौन बने रहेंगे? वो लोग मौन बने रहेंगे जो अपने लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उन्हीं की जगह पर एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है, उसके बाद कोरोना से उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उसकी मौत का सच छिपाया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म की बात छिपाई जाती है, आवाज उठाई नहीं जाती। आखिर कब तक? सवाल यही है कि आखिर कब तक यूं महिलाएं शिकार बनती रहेंगी? भारत एट 9 में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।